गाइस वेलकम टू लक्ष्मी तो लास्ट ब्लॉग जहाँ पे खत्म हुआ ये वाला वहीं से शुरू होता है। अभी हम लोग जाने वाले जो हमने हल्दी पीसी थी आपने सबसे पहला ब्लॉग देखा था, आज वो हल्दी रोहित को चढ़ेगी। उससे पहले हम लोग आए क्योंकि यहाँ पे गणेश पूजा हो रही है, रोहित का टीकाकरण होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ खाना खाने। लगन तुम्हें टीका प्रसिद्ध गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर तालुक्याचे युवा उद्योजक मनसूर दादा शिंदे आपले दरम्यान सकाळ दाखवण आहे मनपूर्वक आदरणीय सब आदमियों ने रोहित का तिलक कर दिया है। आज हम कब करेंगे, हम कब करेंगे? अभी तो हो गया, हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, हल्दी के बाद। अच्छा, हल्दी के बाद हम लोग करेंगे। हल्दी जब लगती है ना, हल्दी के बाद हम करेंगे। हमारा रोहित उठ गया है भाई। रोहित ने हमें जिम्मेदारी दी है, इनमें जूते से ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्या बोलते हैं? गाइस, ये है वो कटियार जो कि दुल्हन की बहनें छुपाती हैं और उनको फिर पैसे मिलते हैं। तो ये रोहित के बड़े भैया छुपा रहे हैं ना, ताकि वो नहीं, मैं दे दूं, मैं उनको दे दूंगा अगर उन्होंने मुझे 11,000 रुपए दिए। कह रहा मैं उनको दे भी दूंगा अगर उन्होंने मुझे 11,000 रुपए दिए तो। बहुत कम मांग रहे हो। अच्छा, 51,000 मांगो? अच्छा, नकली भी लेंगे। अब हम पूछते हैं रोहित को कैसा लग रहा है। रोहित कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रोहित के दिल में ऐसे धक धक हो ले रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे तुम लोग का खाने नहीं चल रहा क्या? हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, इन सबका डांस का प्रैक्टिस चालू है। अब होगी रिंग सेरेमनी। कैसा लग रहा है यार? बहुत शांत लोग हैं, हम ही दोनों चिल्ला रहे पागलों की तरह। हमें एंजॉय करना है तो तेरे को शादी करनी पड़ेगी ना लक्ष्मी। अब तुम्हारे एंजॉय के लिए मैं शादी कर लूं? क्या शादी? पंडित जी हो रहा है बिल्कुल, तुम तो कर ही लो। ये तो पंडित जी हो रहा है बिल्कुल, ये देखो। पता नहीं क्यों बोल रहा है कि इसको जल्दी है, फिर मेरा नंबर है। क्या देखो यार, रोहित भाव हमारा। अरे रोहित को चेन पहनाई जा रही है, चेन। अच्छा लग रहा है, गाइस एंगेजमेंट हो गई है दूल्हा दुल्हन की। रोहित तो भाई ब्लश कर रहा है वहाँ खड़े होके। मैंने कुछ 360 शॉट्स लिए, लेकिन हो सकता है अभी फ्लिकर आए लाइट का, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यार। भगवान इसकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ दे और इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए शादी के बाद। दीदी कह रही है कि मुझे भी शादी करनी है as soon as possible. Yay! So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ लंच करने के लिए, दूल्हा दुल्हन भी लंच करेंगे। मैं एक चीज दिखाती हूँ जरा। आंटी, आपका ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है। देखा? ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? मेरे को देखा ही नहीं आपने। दुल्हन की बुआ। इधर लिख रहा है नवरी जी मामी, आप दुल्हन की मामी। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बात है सैंडी भाई, फोटो शूट हो रहा है आप लोगों की कृपा से, आज खिंचवा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। चले यार, मेरे शूज तो ये रहे, अकेले मेरे शूज बचे अभी यहाँ पर। तेरा डांस होना ना होना एक सही है। मेरा भी क्यों आगे भाई, सैंडी ऐसा आ जाओ, ढक जाएगी। मेरे डांस की जगह तो एक मूर्ति खड़ी कर दो, सुनो, क्योंकि मैं भी ऐसे खड़ा हो जाऊंगा जाके बस, और मूर्ति भी इतनी खड़ी रहेगी। जवान एक बार तो जाए, क्या है जवानी, वो राम ऐसे घूमना था, घूम तो लिए। अरे रहना तो तुम्हारे साथ नहीं होगा भाई, रहना क्या है इसके बाद। जवानी तू नहीं कर रहा डांस, क्यों ज्यादा अच्छा करता है? और तुझे शूट करना है और मुझे डायरेक्ट करना है, मैं भी यही बहाना बना के नहीं करूंगा। अब हमारी बाइट ली जाएगी कि हमें कैसा लग रहा है, तो मैं अपने व्लॉग में बता दूं कि मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर, सच में
कोई रश नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है, इतने कोऑपरेटिव है यहाँ पर सब, सब एक ए टू जेड सब बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि शादी में होता है ना थोड़ा सा मैस हो जाता है, थोड़ा सा यू नो भाग दौड़ होती है, बट आई बाबा इतने शांत इतने पोलाइट यार, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। गाइस हमारी टीम लखनीत यहाँ आ गई है अब डांस की प्रैक्टिस करने, वहाँ से तो इनको खाली हाथ लौटना पड़ा, क्या हुआ कुछ अभी तक करते रहो। सो गाइस लकीली इन लोगों का डांस प्रैक्टिस खत्म हुआ है अभी के लिए, नहीं तो चले कुछ खाने। हाँ चलो चलो हम कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद दोबारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसकी मेहंदी होनी हल्दी होनी रहती है, राइट। तो कितनी अच्छी चीज है, उस दिन हल्दी उन्होंने खुद से पीसी घर पर और आज वही हल्दी लगाई जाएगी, मार्केट से नहीं आती यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोग कहाँ रह गए भाई, पूना मैडम क्या हो गया, ये तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, उधर है भोजन कक्ष, इधर है पिणियाचे पानी, पानी पिणियाचे पानी मतलब पीने का पानी। हाँ मुझे पता है भाई, इतना तो ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, बहुत तेज भूख लगी हुई है वैसे मेरे को। अब देखते हैं यहाँ पे फूड वाला कुछ अलग होता है या हमारी तरह ही होता है सेम, वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न का। यार कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग कितने मजे से बैठे खा रहे हैं वहाँ पे और हर कोई सर्व कर रहा है, यहाँ वैसा नहीं है कि जाके कहीं से ले लेकर आओ। ताहा थात दुर्वे नहीं, हाथ दुर्वे हाथ धो, अच्छा तब खाओ, पता नहीं मैं भी यही लिखा हूँ, आप लोग बताना अगर आपको मराठी आती तो ये क्या लिखा है, सॉरी इतना ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा, ताता हट नहीं ताता हाथ धोवो नहीं, मेरे ख्याल से इसका मतलब यही कि हाथ धो लो। चलो यार कितना अच्छा लग रहा है, देखो सबको यहीं पर आके सर्व किया जा रहा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये मुझे सच्ची बताओ ज्यादा ऑर्गेनाइज लगा वहां से। ओहो सबसे स्पेशल थाली फूलों से सजी हुई, क्या बात है दुल्हन, कैसा ताहे टेस्ट करो। मैं पहले खाना खाऊंगा उसके बाद। वाह यार यार रोहित अरेंजमेंट बड़ा अच्छा लगा ऐसा, तो ना सबकी सीट पे आके दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि जाके लेकर आओ क्योंकि भीड़ मच जाती है वरना वहाँ पे, है ना, बहुत अच्छा भाई सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज इतना वेल मैनेज्ड है कि लग रहा है ऐसा ही होने चाहिए फंक्शन यार। गाइज और भी एक चीज़ गौर करने वाले कि मोस्टली जो मेल है यहाँ पे उन्होंने वाइट पहना हुआ है और फीमेल एकदम रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेल एक साइड बैठे थे वहाँ पर, फीमेल सारे एक साइड बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के सीक्वेंस वाइज एकदम। क्या कह रहे हैं भाई, भैया देख रहे रोहित कितना खुश हो रहा है, देखो सबको खाना खिला रहा है खुशी से, मैं कह रहा हूँ सैंडी भाई अगर तुम चाहोगे तुम्हारी भी खुशी हो सकती है, इतनी तुम्हें कितना खुश है हमारा आज तो अलग ही सुकून है रोहित के चेहरे पे, क्यों भाई। यार ये पल ही इतना स्पेशल होता है कि शादी एक बार ही होती है और वो उसमें खुश ना हो तो कब हो, सही बात है, कल तू भी कर ले जल्दी। यार तुम्हारी प्लेट तो बड़ी सुंदर सजी है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, जो लोग हमसे पहले खा रहे हैं वो लोग उठेंगे फिर उनकी थाली हटाई जाएगी फिर हमको बिठाया जाएगा, कितना यूनिक है यार ये सब। फाइनली अपना नंबर आ गया, बैठो भाई बैठो सारे, बैठ जाओ सारे, सब खाना खा खा के जा रहे हैं हम, आप बैठे क्योंकि हम डांस में बिजी हो गए थे, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि पूछो मत, है ना, और अपने आप में अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, वरना हमारी शादियों में हम लोग राउंड टेबल करते हैं, यहाँ पर एक लंबी टेबल है और उसमें राउंड बैठ के खा, मतलब सेम ऐसे ही है भंडारे जैसे हम भंडारे में नीचे बैठते हैं ऐसे ही, लेकिन यहाँ कुर्सी पे बिठाया हुआ है, तो यहाँ पर थाली लग गई है सबकी। गाइस पता है सबसे पहले इन्होंने नमक ला के दिया, उसके बाद अब सब्जी आनी स्टार्ट हो रही है और मीठा आना स्टार्ट हो गया। गाइस टू यम, बहुत ही टेस्टी है खाना यार, आई मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि चम्मच आ रही है और राइस भी आ रहा है। गाइस ये मेरी सेकंड प्लेट है, लखन की थर्ड प्लेट है, मजा आ गया यार, पूरा मेरी की भी फर्स्ट ही चल रही है, बट सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी खाना, हर एक चीज़ बहुत टेस्टी है, किसी किसी से स्पाइसेस हो रही है, मैंने ये उतार दिया खाते टाइम क्योंकि पसीने से नीचे आ रहा था, बट वाह रोहित वाह वाह आई बाबा क्या शादी करी है, मजा आ गया। गाइस यहाँ पर रोहित की हल्दी की तैयारी हो रही है और हल्दी में लिखा गया है आर्त, वैष्णवी में वी लिखा गया है, वैष्णवी का वो करेंगे, अच्छा वैष्णवी का वो करेंगे इन्होंने सिर्फ, अरे वैष्णवी का भी आ गया, वैष्णवी का ये हल्दी, हाँ देखो इसमें वी लिखोगे ना अभी आप, जैसे आर लिखा वैसे वी वी चलेगा, वी लिखता है, अब वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे वी लिखता है वी लिखता है। सुनो यहाँ पर हल्दी चल रही है और आओ मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर उनका फोटोशूट चल रहा है रोहित और वैष्णवी का, मेरे तेरे को वहीं खड़ा होना था, कहाँ चले गए ये हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, हल्दी तो गरी लगेगी ना, नहीं
इधर से लेके आएंगे हम नाचते नाचते। रोहित और वैष्णवी को उधर से लेकर आएंगे नाचते नाचते। नाचेंगे और नचाएंगे कह रहे हैं। कैसे नाचोगे थोड़ा नाच कर दिखा दो। क्या बोला? अच्छा वो ढोल वाले ढोल आएगा रोहित और वैष्णवी को कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। आराम से फोटोशूट चल रहा है उनका। ये हिंदी में बताया तो और हिंदी और बोलेंगे खूब मर जाए थे और मस्ती हो रही है खूब मजे थे खूब मस्ती मर पहला पहला फुल एप्पल देता ना। हमारा ये कैमरा हीट हो गया है तो इसको पुनीत अपने पास जगह गए। ये ड्रॉबैक है सोनी ZV-E1 का कि आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इसमें। भाव क्या लग रहा है भाव? देखो कितना हीट हो रहा है। हीटर है भाई इस टाइम। इसको रूम में रख दो थोड़ी देर। इसको यहीं सुला दे थोड़ी देर के लिए कहीं। क्या हो गया? वाइट वाइट एकदम वाइट वाला मंगा। वाइट अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू। अनमैरिड लोग ऊपर भी नहीं चढ़ सकते? वो तो मेरे से तो लॉक ही नहीं होता भाई। जो हमारा रूम है ना मेरे से लॉक नहीं हुआ। सुबह सुबह मैंने बहुत देर कोशिश किया। चाबी से लॉक नहीं होता फिर कैसे होता है? अंदर से बंद। अच्छा वैसे भी बिल्कुल प्लेन वाइट होता चलेगा? मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। ओके वेलकम गाइस। हमने सोचा है कि हम हल्दी लगाएंगे पहले सब फैमिली मेंबर्स लगा लें। और सब यहाँ पर क्यों बैठे हो आप लोग? ऐसे ही बैठे हो यहाँ पर मेहंदी का वेट हल्दी का वेट कर रहे हो? तो यहाँ पर सब हल्दी का वेट कर रहे हैं बैठ के। तो मैंने सोचा मैं भी वेट कर लेती हूँ सबके साथ बैठ के। वरना उधर बैठना पड़ा इधर सबसे अच्छी जगह यही है ना? अच्छा लग रहा है ना? और ये है आई की बेस्ट फ्रेंड। कितने साल से जानते हो आई को? 23 साल। 5वीं क्लास से साथ में हो? वाओ ऐसी दोस्ती गाइस मिलती नहीं है। 5वीं क्लास से साथ में थे और 23 साल हो गए आज एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है ना भाई? कुछ भी हो कुछ हो ना हो ऐसी दोस्ती जरूर हो। सच मतलब जेस्चर दिखाया महाराज के प्रति। अरे सर मैं थोड़ी मैं फैन हूं उनका। क्योंकि ना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा बहुत दूर है हूं। ये हल्दी लग गई। Smile.
अब मैं लगाने जा रही हूँ रोहित के हल्दी। सबने मेरे हाथों पे लगा दी, फेस पर इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि फिर फेस वॉश करना पड़ेगा। आई मीन हम लोग फेस वॉश लेकर नहीं आए और हमारा होटल बहुत दूर है, एक घंटे की दूरी पर, इसलिए हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स यहाँ पर आए और गुना का स्पेशलिटी है भाकरवाड़ी, आपके लिए भाकरवाड़ी आया हमारे लिए पैकेट है, शेयर करेंगे। नहीं नहीं भाकरवाड़ी बहुत सारे लोगों ने दिया है, थैंक यू, बहुत टेस्टी मैंने कल खाया। ओके हम लोग फोटो करेंगे तुम चोर हो। हां हां जरूर जरूर। वैष्णवी की मासी? अच्छा वैष्णवी की मासी, हां मैं तो जानती हूं। मैं मामी से तो मिला अभी। आप मौसी है? मैंने आपका पैर भी छुआ था। मैंने भी। आप खा नहीं थे ना? खाने नहीं। थैंक यू भाई। चार उसको रखिए, हल्दी लगा दें। बड़ा लड़का है जी, सेकंड है ये मेरा। मैं मिला आप मोटा जी है होते घर ही। तो अब हमारा टाइम आ गया वैष्णवी को और रोहित को हल्दी लगाने का, लेट्स गो गाइस। ये दोनों उठने ही वाले थे, अच्छे टाइम पर आ गई। एक मिनट में मैं हल्दी लगा दूं। अब मैं भी हल्दी लगाऊंगी रोहित को। मीपल हल्दी लावनाथ हमारा भाव शर्मा रहा है लगाए। नहीं यार आराम से लगा ना, जितना सोना मुखर है उसका। यहाँ पर हुई फूलों की हल्दी, मतलब आगे लेकिन यार मुहूर्त निकल गया है ना, इसीलिए वरना तो बड़ा ही मजा है। यार एक गलती हो गई, मैंने सोचा कि हम आराम से मेहंदी लगाएंगे जब सब लोग मतलब सारे फैमिली मेंबर चले जाएंगे, लेकिन मुहूर्त खत्म हो गया, अब दूसरी जगह का मुहूर्त है। दादा कैसा लग रहा है? बाबा ठीक लग रहा है, आ जाओ। आप कहाँ थे? आपको मिस कर रहा हूँ कितनी देर से मैं। बाबा सारी देख रेख कर रहे हैं ना, सब चीज़ फर्स्ट क्लास हो रही है। नहीं देखना पड़ता है सब, बट इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया बाबा आपने, मज़ा आ गया देख के। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खाना तो एक नंबर था, सब लोग तारीफ करते हैं। इधर का खाना और ये अच्छा हॉल है जी, अच्छा खाना बनाते हैं। इधर का जो कुक रहते हैं ना, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए आपने इसीलिए इसको सेलेक्ट करे थे है ना। सो मित्रों अब तैयारी है यहाँ पर फेरों की, और उससे पहले हम लोग रोहित के दर्शन करके आते हैं। भाई मेरा चेंज कर रहा है अपना स्मार्ट से गेटअप, उसमें आएगा और फिर उसके बाद फेरों के लिए चलेंगे हम लोग। सो गाइज उम्मीद करते हैं आपको हल्दी वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ जो कि होने वाला है रोहित और वैष्णवी के फेरों वाला। बाय बाय, टेक केयर, लाइक करना मत भूलना।